जो लास्ट क्लास थे सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब तक दूसरे से ना पूछा जाए तब तक बोले मत। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिक किसने बोला? इतनी बार स्ट्रेस देने के बावजूद अगर ऑटोमेटिक आंसर आता है अभी भी तो थोड़ी सी बात सोचनी है। रेनू वर्मा, रेनू हाँ सर, क्या पढ़ा था हमने? एब्रीविएशन। मैडम व्हाट इज एचयूएफ अकाउंट? एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट। वेरी गुड। इस एचयूएफ को जो ऑपरेट करता है हम उसे क्या कहते हैं? करता। करता, हाँ सर। जिनसे पूछूं वही आंसर दें। अच्छा चलो, इस एचयूएफ में व्हाट इज कोपार्टनर? सर जो गोत्र से बिलोंग करते हैं ना वो कोपार्टनर्स होते हैं। कोपार्टनर? मैडम को पार्टनर की तो बात कहीं बताई नहीं मैं। मैंने को पार्टनर बताया है, पार्टनर नहीं। क्या सर? मैंने को पार्टनर बताया है, पार्टनर PARCE है ना, पार्टनर नहीं याद रखने का, ऐसा नहीं को पार्टनर याद कर लेने का। पार्टनर वाली, पार्टनरशिप वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है, पार्टनर है वो, है ना। इस कारण से मैंने लिखा भी था। ओके गुड। चलो मंदार सावंत, मंदार। हाँ सर। आपकी पहली क्लास तो नहीं है, पहले थे आप क्लास में? नहीं, नहीं आज फर्स्ट लेक्चर है। पहली क्लास है? हाँ। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? कब ज्वाइन किया क्लास? ये थर्सडे शायद से। चलो थर्सडे, ठीक है फिर। ओके तो पहली क्लास है तो कोई इशू नहीं है, फिर से फिर सुनते रहो, बताऊंगा। जिनकी जिनकी पहली क्लास है हम एक बार ओवरव्यू कर लेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। ये नील कौन है? नील, नील धंदावडे। हाँ सर। घाटकोपर ना? नील कौन सी ब्रांच है आपकी? आवाज नहीं आ रही इसे लगता है। ठीक है, डिप्ले जोशी। जोशी यस सर। मैडम व्हाट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट? सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है? चाइल्ड, गर्ल्स चाइल्ड के लिए ओपन करते हैं वो। मेरी तीन डॉटर अगर है, बाकी के माइक ऑफ कीजिए, जिनसे पूछूं उनका माइक ऑन रखिए, बाकी के माइक ऑफ रखे हैं। हाँ बोलो। समृद्धि अकाउंट गर्ल्स चाइल्ड के लिए ओपन होता है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या? आप भी बोले ना सर घाटकोपर का, उसके बाद मैं जब आया तब बोले की सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है। अच्छा, उस समय तक आपका टाइम खत्म हो चुका था, जब तुम्हारे पास वापस आऊंगा फिर तुमसे पूछूंगा। ठीक है ओके सर। आपका आवाज बहुत लो आ रहा है सर। आवाज लो आ रहा है? हाँ सर। सबको लो आ रहा है या सिर्फ आपको लो आ रहा है? बाकी के तो कोई ऐसा नहीं, बराबर है। आवाज ठीक है? यस सर, अभी हमें बराबर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप बढ़ा लो अपनी वॉइस, देखो तुम्हारे में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। सर वो गलती से स्पीकर का ऑफ हो गया था, आवाज आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले मैं उनके लिए बता दूं जिनकी पहली क्लास है, देखिए आपके जिनकी पहली क्लास है सिर्फ उनको मैं 5 मिनट के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। आपकी जो ये सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फॉर IBPS दिस इज ऑफ 40 मार्क्स एंड फॉर SBI एंड अदर एग्जामिनेशन दिस इज अप टू 80 मार्क्स। SBI में 50 मार्क्स के हैं, अगर आप RBI जाए तो 75 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है मेंस में ही ये आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में जो हमारी नजर होगी वो बेसिकली 4 डिफरेंट पिलर्स पे होगी। पहला जो पिलर होगा उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, दैट इज बैंकिंग एब्रिविएशंस, मतलब बैंकिंग टर्म्स जितने भी होते हैं। MPA क्या होता है, KYC क्या होता है, RBI क्या करती है, सिविल क्या करता है, NPA क्या होते हैं। तो जितनी भी बैंक के अंदर, किसी का माइक ऑन है ऑफ कीजिए उसको, है ना, कि मतलब बैंक के अंदर डेली होने वाली एक्टिविटी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर आती है। वो हमारी आपकी सिलेबस की पहली पिलर होगी, जिससे कम से कम 12 टू 15 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो पिलर है वो है स्टैटिकल अवेयरनेस, एक ऐसी फैक्ट जो संभवतः स्टैटिक हो, बहुत दिनों तक चेंज ना हो। जैसे हमने बोला कि नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी के ऊपर है, या ये स्टेडियम कहाँ पे है, या ये जो डांस है फोक डांस है
वो कौन से स्टेट में होता है, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किस नाम से है। तो दीज आर स्टैटिकल अवेयरनेस जिससे हमारे 8 से 10 मार्क्स से क्वेश्चन हमारे एग्जाम से हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी जो फैक्ट है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस कहने का मतलब आपके आने वाले 1 फरवरी 2021 को हम एक नए सिरे से बजट प्रेजेंट करेंगे, तो बजट की बातें हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एडीबी बैंक जैसी बड़ी बातें हो, ये आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट होती है। 5 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आखिरी के कड़ी में जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, दैट इज करंट अफेयर्स। आपके एग्जामिनेशन से पहले 4 महीने के तमाम फैक्ट, चाहे आपके इंडिया के बाहर हो या इंडिया के बाहर के बाद अंदर भी हो, कोई भी ऐसी करंट फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के रूप में आपसे पूछी आती है। 10 to 12 मार्क्स के ये फैक्ट आपसे पूछे आते हैं। तो हमारी जो भी एक्टिविटी चल रही है वो आपके सबसे बड़े इस पिलर पे काम चल रहा है, दैट इज 12 to 15 मार्क्स बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो हमने अभी तक जितनी भी क्लास देखे हैं वो आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है। हमारे इस क्लास का संबंध पुराने किसी भी क्लास से नहीं होगा। बैंकिंग में एक यही खासियत है कि अगर आज हम बैठे हैं इस क्लास में तो हमारे पुराने क्लास से कोई भी दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है। हमने अगर लास्ट क्लास किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया है और आज कोई नए स्टूडेंट बैठे हैं तो सबके लिए एक नई कंसेप्ट होगी। इसका आंसर उतनी ही आपको बारीकता से, उसी उतनी ही समझदारी से इन चीजों को पढ़ना है। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं और कोई चीज लिख रहा हूं, उतनी ही बात अगर आप याद करके, सिर्फ याद करके अपने एग्जामिनेशन में चले जाते हैं तो संभवतः बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन छोड़ के आप नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए हर एक दिन 2 से 3-4 पेज आप लिखते हैं, अगर ये स्टेज चलता है हमारा 4 महीने तो समझ जाएं लगभग आपको 50 to 60 करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी लिखना पड़ेगा। और अगर 60 पेजेस आपके जेहन में आपके एग्जामिनेशन के दिन तक है तो आई होप कि जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी जाएगी। लास्ट क्लास हमने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के एब्रिविएशंस की बात की थी। एब्रिविएशंस हम कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म को। मतलब जैसे अगर हमने एटीएम बोला है तो ये एटीएम क्या बोलता है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म व्हाट इज, व्हाट ए स्टैंड फॉर, व्हाट टी स्टैंड फॉर, व्हाट एम स्टैंड फॉर। तो हम अपने लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। संभवतः लास्ट क्लास हमने 45 एब्रिविएशंस बताए थे। आखिरी के 2-3 मिनटों में मेरी आवाज सारी चली गई थी और आप तक मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। क्योंकि हमें 50 वहां पढ़ाना था, 50 आज पढ़ाना था, तो एटलीस्ट कोशिश करेंगे 50 मोर इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस को आज हम कवर अप करें। बातें समझ में आई आप लोगों को? फटाफट मैं लिखूंगा, फटाफट आप भी लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन जो मैं डिस्कशन करूंगा उसको किसी भी कंडीशन में आपको अपने पेज पे पेन डाउन नहीं करना है। जब उसकी रिलेटेड क्लास होगी वहां पे मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ एब्रिविएशंस, एक छोटा नाम, उसको बड़े विस्तार के रूप में हम देखेंगे। और मैंने पहले ही बोला है आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के एब्रिविएशंस पूछे आते हैं, तो समझ लें इस टॉपिक की जो अहमियत है वो आपके एग्जाम्स के नजरिए से कितनी बड़ी बात है। शुरुआत हम करेंगे आपके बीओपी पे, है ना। कौन सा नंबर था लास्ट क्लास में, कितने हम एब्रिविएशन देखा था हमने? 47। तो उसको कंटिन्यू करें, यहाँ पर लिखें 48, 49। हेलो सर, बोलिए। एब्रिविएशन का थोड़ा स्पेलिंग बताइए ना। अच्छा ठीक है, वो भी बता दूंगा। अभी चलो लिखो पहले बीओपी। देखिए बीओपी और बीओटी दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, आपकी बात समझ गया हूं। आपको अंत तक एब्रिविएशंस का स्पेलिंग भी आपके बोर्ड पर लिखूंगा। बीओपी हम कहते हैं बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को, तो लिखें बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। और जैसा हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, और हम कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये दोनों मिलता जुलता नाम है, बीओपी एंड बीओटी। दोनों का फुल फॉर्म आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बीओ स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ, पी फॉर पेमेंट एंड टी फॉर ट्रेड। सर लिखे, बोलो सर। वो आपने लास्ट टाइम वो दो सर में भूल, एल आई एफ ओ का फुल फॉर्म और एफ आई एफ ओ का। ओके 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 ठीक है, पहले इस दोनों को लिख लो, फिर उस लिफो और फीफो को भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया था सर। फर्स्ट है ना सर, ये 50-51 आपने पिछली क्लास में बताया था सर।
ठीक है कोई बात नहीं, 30 सेकंड लेगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं है, है ना। ऊपर वाला हो गया बीओपी बीओटी, जी सर, यस सर। लिफो लिफो लास्ट इन, सबसे अंत में आना। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे आई होप उनके लिए बहुत आसान होगा, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे आखिरी में बैंकिंग की क्लास को ज्वाइन कीजिए और सबसे पहले सिलेक्शन करके निकल जाइए, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लिफो। वो कंसेप्ट नहीं है, मैंने आसानी से आपको याद करने के लिए बताया है कि आपकी जो कंसेप्ट होनी चाहिए वो लिफो के पे आधारित होनी चाहिए। सबसे अंत में हम आए हैं, सबसे अंत में हमने प्रिपरेशन करने की शुरुआत की है, बट सबसे पहले सफलता हमारे को मिलनी चाहिए, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड लिफो। एंड फर्स्ट इन फर्स्ट इन और दूसरा फर्स्ट आउट, दैट इज फिफो। लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली इसको हम कॉमर्स के नजरिए से देखते हैं, इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखते हैं कि हमारा जो गुड्स है वो सबसे अंत में आ रहा है, सबसे पहले निकलना चाहिए, तो वो बेसिकली ये कंसेप्ट है लिफो और फिफो का। नेक्स्ट लिखे हैं 52 के वी पी, 53 यू एस बी। के वी पी का फुल फॉर्म है किसान, अभी पूरा देश किसान पे ही चल रहा है, तो किसान विकास पत्र, ये पढ़ाना भी है मेरे को कि बेसिकली पहले से पोस्ट ऑफिस से मिलता था, लेकिन आज के डेट में ये एक सर्टिफिकेट है जो किसी बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप परचेस कर सकते हैं। 30 मंथ का लॉक इन होता है, उसको आप छोड़ दें, सिर्फ लिखें केवीपी किसान विकास पत्र। देखिए जब आपसे दिया जाएगा यूएसबी का फुल फॉर्म बताओ, आपको मालूम है कि आपने पढ़ा भी है, यूएसबी सर ने पढ़ाया भी है, लेकिन जिस समय चॉइस में अल्ट्रा स्मॉल बैंक आए और अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच दोनों आए, कंफ्यूजन लाजमी है। इस कारण से अल्ट्रा स्मॉल तो आप याद रखें, लेकिन बैंक से थोड़ा सा दूर हटके बैंक के एक डिवीजन को याद रखें, दैट इज अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये कंसेप्ट आया था, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें ये कहा गया कि हर एक भारतीय जो भी एलिजिबल इंडियंस हैं उनका अकाउंट होनी चाहिए, जिसके लिए पहले स्वाभिमान स्कीम चल रहा था, बाद में 28 अगस्त 2014 को हमने बड़ी स्कीम, और बड़ी नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, जिसमें जनधन योजना का स्कीम हमने निकाला था। उसी में कहा गया कि वैसी विलेज जिस विलेज में 2000 प्लस की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एक छोटा ब्रांच होना चाहिए, उस ब्रांच का नाम होगा यूएसबी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। ये भी पूछा जा सकता है कि अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच कौन से प्लेसेस पे हो सकता है, वैसी प्लेसेस वैसी विलेज वैसा कस्बा वैसा तहसील जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 2000 है। ये कंसेप्ट क्लियर बताया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे चलेंगे और भी डिटेल में बात करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ एक है, आप ब्रांच को याद रखेंगे ना कि बैंक को याद रखेंगे। 54, 55 नाम एफडीआई, नाम एफआईआई। एफडीआई तो संभवतः आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, वो क्या है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार का कुछ कैप लगा होता है, जिस कैप के आधार पे ही जो फॉरेनर होते हैं वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में 100% है, ऑटोमोबाइल में 100% है, एविएशन में 100% है, फार्मास्यूटिकल्स में 100% है, है ना। तो ये सब ऐसे सेक्टर है जहां पर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एक इंडिविजुअल आपकी इंडियन मार्केट में कर सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा एफआईआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में ना आज तक पूछा गया है और ना आज तक पूछा जाएगा, बट एफआईआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल, नहीं नॉट फाइनेंशियल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप है ना, कोई ग्रुप है, वो ग्रुप आपके इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है,
एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट होगा, इतनी बात लिखे। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, केवीपी किसान विकास पत्र, यूएसबी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। किसी के पास कुछ नहीं समझ में आया है तो मेरे से पूछने का। यस सर। और जब हो जाए तो बताइए भी मेरे को। हो गया सर। हाँ सर, हो गया सर। डन हो गया। यस सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। इंटेलिजेंस ब्यूरो वैकेंसी आई है, एक बार चेक कर लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबल हो तो फॉर्म जरूर डालें। ये मत सोचें कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपके सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, वो जिंदगी में कभी भी किसी स्टूडेंट खत्म नहीं होता है। लेकिन इफ यू आर एलिजिबल, जो भी उसकी क्राइटेरिया है उसे रीड आउट कर लीजिए, संभवतः आपके ग्रुप पे आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार चेक कर लीजिए। कल संभवतः ये वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को डाल दीजिए। ये सोच के नहीं डालना है कि हमारा सिलेक्शन होगा, ये सोच के डालिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन मुझे एग्जामिनेशन में जाके बैठना है। इस सोच में, इस सोच के साथ आप इस एप्लीकेशन को डालेंगे, है ना। जो भी आपकी नई नोटिफिकेशन आएगी मैं संभवतः अपने क्लास में आपको बताता चलूंगा कि आई है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जरूर इसका फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट 33 छोटे मोटे टैक्स को मिला के हमने एक नए टैक्स की शुरुआत की। नंबर कौन सा डालूं? 54 नहीं हुआ अभी तक। ओके, 33 छोटे मोटे टैक्स को जोड़ के हमने एक नए टैक्स की शुरुआत की, उस टैक्स का नाम दिया हमने जीएसटी। जब टैक्स के क्लास में आएंगे तो फिर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आज आपके इंडिया में सिर्फ दो ही टैक्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीडीटी और सीबीईसी। क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये टैक्स का प्रावधान है, कितना परसेंट, 0%, 5%, 12% और 18%, ये चार इसके पिलर है, इसकी बात हम वहां पे करेंगे। बट द फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 55 एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सुन लें, अभी बता देता हूं, स्टैटिकल अवेयरनेस में ये जो इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पे है, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, मतलब ट्रांसपेरेंसी में कितने नंबर पे है। तो ये जो इंडेक्स है, कुछ 10-12 ऐसे इंडेक्स है जिसमें इंडिया का पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप ध्यान में भी जरूर रखें कि ये इंडेक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। अभी उस इंडेक्स में सिर्फ एक इंडेक्स को आप याद करें, उसके छोटे नाम को, दैट इज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट नासा एसबीआईपीओ 2015 का ये क्वेश्चन है, नासा का फुल फॉर्म आप में से कौन बता सकते हैं? नासा, बहुत बार आपने सुना कि अमेरिका की ये स्पेस, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है वैसे ही अमेरिका के लिए नासा के रूप में काम करती है। लेकिन देखिए, हम कभी बड़े नाम पर याद करते ही नहीं है, वही बड़ा नाम हमसे पूछा जाता है। कौन बता सकते हैं बिना गूगल किए हुए? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस। देखिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो आप पकड़ सकते हैं कि ये हो सकता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस। ये जो अंत का ए है यही कंफ्यूजन करता है ना? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नेक्स्ट लिखे हैं डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी।
जब एनपीए पढ़ाऊंगा, एनपीए भी लिख देता हूं, जब एनपीए पढ़ाऊंगा तो संभवतः डीआरटी की बात करूंगा। जब हमारा लोन 90 दिनों तक कोई भी ईएमआई नहीं आता है, आफ्टर 90 डेज सच एसेट्स जो परफॉर्म नहीं करता है अप टू द पीरियड ऑफ 90 डेज, उस एसेट को हम बोलते हैं ये एसेट हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, द एसेट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि जो लोन है वो बैंक के लिए एसेट है और बैंक में जो आपकी डिपॉजिट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। हमेशा याद रखें इस कंसेप्ट को, योर डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या अकाउंट, व्हाटएवर देयर इज डिपॉजिट इन योर डिपॉजिट इन बैंक इज लायबिलिटी फॉर बैंक, बट बैंक एसेट इज बैंक लोन। तो वैसा लोन जो परफॉर्म नहीं करता है, द लोन इज क्लासिफाइड एज एनपीए। नेक्स्ट 59, पीआईओ, ओसीआई, क्या हो गया डेट रिकवरी, क्या है सर डेप्ट, डीईबीटी डेप्ट जो उधार है, डेप्ट की रिकवरी और उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ट्रिब्यूनल, TRUBINL, ट्रिब्यूनल। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आप अगर एनआरआई हैं तो आपके पास दो टाइप की क्या होती है, तो वीजा होती है, एक को हम बोलते हैं पीआईओ, दूसरे को हम बोलते हैं ओसीआई। पीआईओ इज कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज ओसीआई, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसकी बात बेसिकली हम टैक्सेशन में बताएंगे कि टैक्सेशन में ओसीआई को क्या फायदा है, पीआईओ को क्या फायदा है। अब इसके फुल फॉर्म को आप देखें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ है ना, और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मुद्रा बताया था ना, मुद्रा, यस सर, हाँ हटाओ, हाँ सर, हाँ तुम तो लिखने से पहले ही सर हटा दो, सर लिख लिया। सर ओसीआई का एक बार फिर से बताइए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, Overseas Citizen of India, PIO, Person of Indian Origin. Okay, sir. Okay. देखिए, आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पर बेसिकली अनाज दिए जाते हैं, बहुत सस्ते कीमत पे अनाज दिए जाते हैं, राशन दिया जाता है बेसिकली। तो वो जो सिस्टम पे चलता है उस सिस्टम को हम नाम देते हैं PDS का, That is public distribution system. PDS आपके लिए इंपॉर्टेंट है, PDS का फुल फॉर्म है public distribution as a stand for, ये एक टाइप का सिस्टम है, ना कि सर्विस है ना कि सॉल्यूशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और उसकी जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट तक पहुंचती है, जैसे गैस मिल रहा है या केरोसिन ऑयल मिल रहा है, तो उसकी सब्सिडी होती है वो ईबीटी के थ्रू पहुंचती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट, सी स्टैंड फॉर ट्रांसफर, ईबीटी इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर अभी सब्सिडी बंद हो गया है ना, किसमें भाई, गैस में, किसने बोला सर, मैं पता लगाने गया तो उसने बोला आपसे बंद हो गया, किसने बोला सर, वो गैस वाले में गया था ना मीरा रोड उधर, हाँ तो क्या बोला, सब्सिडी बंद हो गया, बोला अभी फिलहाल तो लॉकडाउन में बंद है, जब खुलेगा। अबा, ये तो तुमको घुमा दिया और तुम भी घूम गए है ना, सब्सिडी बंद नहीं हुआ है, अनलेस आप ऑप्ट आउट नहीं करते हैं,
सब्सिडी चालू है अपने आधार बैंक, उससे क्यों जाते हो पूछने के लिए, जाने की जरूरत ही नहीं है। ओनली योर आधार कार्ड मस्ट बी लिंक विथ योर अकाउंट, ऑटोमेटिक सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। हाँ सर, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले ने भी बोला कि सब्सिडी बंद हो गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिस समय हमारा सितंबर मंथ तक का फेज चल रहा था, जिस समय उज्ज्वला स्कीम के अंदर हमने उज्ज्वला में जो जिसने भी गैस लिया था उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो उनके लिए सब्सिडी बंद किया था। अदरवाइज सब्सिडी सितंबर मंथ से फिर से क्या हो गई है, तो नॉर्मलाइज हो गई है ना। तो सिर्फ अपना आधार कार्ड लिंक रखिए, ऑटोमेटिक सब्सिडी आएगी। देखिए, लास्ट क्लास हमने एक एब्रिविएशन बताया था, उसका नाम था सीफी, SIFI, उसका फुल फॉर्म था सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। याद आ रहा है किसी को? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हमने लास्ट क्लास बताया था और उसका नाम भी बताया था कि वो क्या है, तो वो है सीफी। किसी के पास है लास्ट क्लास का नोटबुक या उसको बड़ा पाव खा लिया? लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन, हाँ yes, सीफी का ही दूसरा भाई जो है वो है डीसीप्स। अगर सीफी आपके एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा तो डीसीप्स आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। तो जो लास्ट क्लास नहीं थे उनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सीफी का फुल फॉर्म था सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड ब्रदर सिबलिंग आप कह सकते हैं डीसीप्स को, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये जो बैंक लिखा वो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। सिस्टमेटिकली, ये सिस्टम नहीं है, सिस्टमेटिकली लिखिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास हमने पढ़ाया था, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन is the full form of CFI, whereas DCIPS stand for domestically systematically important bank, and there are three only bank which are under the categorization of DCIPS or CFI. One is the largest bank of India and 45th largest bank in the world, that is SBI. Second is largest private sector bank, that is ICICI bank, and third is सबसे बड़ा लोन के हिसाब से अगर देखें, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, HDFC बैंक। दीज आर द ओनली थ्री सीफी और डीसीप्स कैटेगराइज बैंक एज पर RBI सर्कुलर। किसी का माइक ऑन है उसे ऑफ करें। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में कुछ भी नहीं? हाँ सर। ये समझ के लेना है कि देखो क्या होता है, ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं बहुत आसान से रहते हैं, बहुत आसान, लेकिन जिस समय चार चॉइस आएंगे उस समय देखिए कितना टफ हो जाता है। ये मान लीजिए यही दे दिया आपको, EBT दे दिया आपको, आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी है, 10 बार मैं बोलूंगा भी EBT के थ्रू पैसे आ रहा है, DBT के थ्रू पैसे आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट। यहाँ पे एक और बात याद रखिए, DBT है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको बार बार मैं बताऊंगा कि EBT के थ्रू पैसे आ रहा है, EBT के थ्रू पैसे आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है या इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर है। लेकिन जिस समय ऑप्शन आपके पास आएंगे, ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन रहेगा एक और कुछ ले लो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट, और टी की जगह रहेगा ट्रांजेक्शन। तो लगेगा कि यार ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, तीसरा कुछ और रहेगा इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट फॉर्म, लगेगा कैसा टर्म भी हो सकता है। कंडीशन में ये जो टॉपिक है वो बहुत टफ हो जाता है ना, क्योंकि ये जो चॉइसेज होते हैं चॉइस में ही उलझ के हम रह जाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, और चार मार्क्स, बड़े चार मार्क्स जनरल अवेयरनेस में अगर यहां से आप लेके चले 100% एटलीस्ट एब्रिविएशन में चार मार्क्स आने चाहिए, तो चार मार्क्स का मतलब कंपटीशन एरा में आप कम से कम 1 लाख स्टूडेंट से आगे हैं।
ये इंपॉर्टेंस है एक मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में, तो सोच लें कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर लिख लें ईबीटी का दूसरा भाई डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसी का माइक ऑन है यार, ऑफ करो उसको, कितनी बार बताऊं, जब तक क्वेश्चन ना हो तब तक ऑन क्यों करते हैं। जब आपके पास कोई वैलिड क्वेश्चन हो तो ऑन कीजिए माइक को, अदरवाइज अननेसेसरी वो पीछे का साउंड आता है ना। रम्या माइक ऑफ करो। चलो आगे, नेक्स्ट एलसीआर। एल का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कवरेज, लिक्विडिटी कवरेज। आर स्टैंड फॉर रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर। एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, बहुत सारे देशों के साथ हमारी जो संबंध है वो कैसे संबंध है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आपके यहां से कोई भी माल आएगा तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अदरवाइज आपको वहां पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, इंटरनेशनल पोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, अगर एफटीए साइन नहीं है दो कंट्री के बीच में तो कस्टम ड्यूटी वहां पर देना पड़ेगा। और कस्टम ड्यूटी अगर आप पे करते हैं तो समझ जाएं कि आपका जो गुड्स आपके पास कंज्यूमर तक पहुंचेगा उसका दाम ज्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड है, देयर इज नो कस्टम, दैट इज एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हो गया सर। अरे ये नंबर कौन सा चल रहा है, नंबर लिखना तो भूल ही गया मैं। 70 पे कितना नंबर डालूं? 70 चलो, ओके 70। चलिए केवीआईसी आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात, फिर बोल रहा हूँ आज के क्लास की अभी तक सबसे बड़ी बात बोला नहीं है, इस कारण से रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड बिगेस्ट टर्मिनोलॉजी आज के क्लास की केवीआईसी। लिखें खादी विलेज, खादी विलेज इंडस्ट्री कमिटी, नॉट कमीशन, नॉट कमीशन एंड नॉट कमीशन। फिर से बोलता हूं, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन नहीं है, पहला ही चॉइस कमीशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये आईबीपीएस का मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क एब्रिविएशंस है, केवीआईसी का फुल फॉर्म, पहला ही चॉइस मिलेगा आपको खादी विलेज इंडस्ट्री, यहां पे आपको कमीशन देखने को मिलेगा जो एक गलत फुल फॉर्म है, दैट इज ए कमिटी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमिटी केवीआईसी। सर ज्यादा करके एब्रीविएशंस के लास्ट वाले चेंज रहेंगे ना सर, कंफ्यूज करने नहीं, के ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बीच वाले भी हो सकते हैं, फर्स्ट वाला भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, है ना। इस कारण से पहला वाला भी याद करना है, ऐसा नहीं कि हर का पीछे वाला याद कर लेने का, आगे वाला दोस्त को याद करने के लिए देने का, ऐसा नहीं करने का, पूरा ना शुरुआत से लेकर अंत तक आपको याद करना है। आगे पूछा गया तो आगे का बताइए, अंत का पूछा गया अंत का बताइए, दिमाग तो आपका बहुत तेज है, देखा कि सर ने सबसे सब बहुत सारे क्वेश्चन में आखिरी वाले पे ही जोड़ दिया है, तो ये तुरंत गेस में भी सुपर गेस कर लिया सबसे, सब सर सबसे आखिरी वाला ही चेंज रहेगा क्या, अगर रहता तो मैं हर एक का सिर्फ आखिरी वाला ही लिख के देता आपको, पहले वाला लिखता ही नहीं। नहीं सर वो बाकी आपने क्वेश्चन में लास्ट का ही बोला ना, एग्रीमेंट में रेशियो में, जो जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी तक आपके एग्जामिनेशन में देखा है किसी न किसी रूप से, वहां पे मैं स्ट्रेस डाल देता हूँ, क्वेश्चन किसी भी रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट भी मिडिल भी और लास्ट भी, ठीक है। चलो 70 इम्पोर्टेंट लिख ले रहा हूँ, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट आपने बोला केवाईसी के उधर में इम्पोर्टेंट ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, तो आगे पता चले बात। हाँ उस पे स्टार मार लीजिए, अदरवाइज मैं जो लिख रहा हूँ वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं,
ठीक है यस सर। नहीं ऐसा है कि जिस पे आप ज्यादा जोर दे रहे हो उस पे हम लोग स्टार मार्क कर रहे हैं। यस यस यस। एलटीवी लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू, ये बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। एक मिनट रुको, हाँ सर दिख रहा है। एक मिनट रुकिए। एलटीवी का फुल फॉर्म लिखो, लोन टू वैल्यू। एलटीवी लोन टू वैल्यू। नेक्स्ट लिखे सीएआर, सीएआर नेक्स्ट लिखे हैं ए एस बी ए, नेक्स्ट लिखे हैं सी ए आर, नेक्स्ट लिखे हैं ए एस बी ए, सॉरी सी ए आर मत लिखो, सी आर ए आर लिखो, सी आर ए आर 74, सी ए जी आर। आज की क्लास की सबसे बड़ी बात मैंने आपके बोर्ड पे सर्कल किया है, मैंने उसको बोला था ना केवीआईसी को सेकंड बिगेस्ट फैक्ट, यहाँ पे जो लिखा है मैंने उसको बोल रहा हूं कि आज की क्लास की सबसे बड़ी बात है सी आर ए आर एंड सी ए जी आर, दोनों बड़ी बात है। CRAR कैपिटल टू रिस्क, यहां पर देखें ध्यान से लिखिएगा, कैपिटल टू रिस्क, एसेट वेटेड रेशियो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 2019 IBPS PO CRAR 2019 ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन खोलिए आप, कोई भी किसी भी बैंक का मेंस का पेपर खोलिए, लगभग ये नहीं तो ये तो आपको पूछा हुआ मिलेगा CRAR। जब बेसल नॉर्म पढ़ाऊंगा, बेसल कमिटी थी क्या कहती है बेसल, उसमें आपको फिर से ये बताऊंगा कि CRAR क्या है और CAGR क्या है। अभी सिर्फ CRAR का फुल फॉर्म लिखे कैपिटल टू एसेट। देखिए यहां तक तो आप बोलेंगे कि सर सी का मतलब कैपिटल है, आर का मतलब रिस्क है, ए का मतलब एसेट है, लेकिन वेटेड का तो डब्ल्यू दिया ही नहीं है, उसको खोजने मत लगिएगा, है ना। जब फुल फॉर्म आप लिखेंगे तो आपको पूरा फुल फॉर्म इसी रूप से लिखना पड़ेगा, कैपिटल टू रिस्क एसेट वेटेड रेशियो सी आर ए आर। सी ए जी आर लिखे हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, आर फॉर क्या लिखूं, रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, आर फॉर क्या लिखूं, रेशियो, रेट, ओनली रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सी ए जी आर लिखें। आप में से ट्रेडिंग कोई करता है, शेयर बाजार में पैसा कोई लगाता है? यस सर, पैसा रहेगा तो बैंकिंग क्लास हम ज्वाइन करते क्या? एप्लीकेशन असबा, एप्लीकेशन सप्लाई ब्लॉक अमाउंट, असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज आ रही है क्या?
हाँ सर आ रही हाँ सर आ रही है आवाज सर अभी आ रही है हाँ सर आ रही है ओके चलिए मैंने लिखा है असबाय ब्लॉक ये ब्लॉक एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट ब्लॉक है या ब्लॉक्ड है सर BLOCKED एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट अंत में हमने ईडी जोड़ा है तो लिखिए ब्लॉक अमाउंट असबा ESOP लिखे ESOP Employee Stock Ownership Plan आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे और कंपनी अपना शेयर अपने एम्प्लॉय में बांटती है उस शेयर को हम ESOP के नाम से जानते हैं Employee Stock Ownership Plan ESOP CAGR Compound ये जो COMP लिखा है ये कंप्यूटर मत लिख लेना कंपाउंड है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आप मैथ में पढ़ते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सर ESOP का क्या है हाँ जी बोलो ESOP का हाँ स्टॉक ओनर ESOP का फुल फॉर्म है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान ओके यस Oltas online tax accounting as for system किसी को भी मेरे हैंडराइटिंग में कोई भी कंफ्यूजन हो मैंने से 10 बार पूछिए ना किस तरह जो आपने लिखा है वो समझ में नहीं आया लेकिन गलत नहीं लिखने का अगर हमने सिस्टम लिखा जल्दीबाजी में सर्विस नहीं लिख लेने का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर है ना फिर उद्देश्य खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का पढ़ाने का तो मेरे हैंडराइटिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको नहीं समझ में आ रहा है मैंने जो बोला मैंने जो लिखा 10 बार मेरे से पूछिए 12 बार समझाऊंगा ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम Oltas नेक्स्ट बैंक में हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो कस्टमर है हमारा है ना वो HNI कस्टमर है मुंबई में अगर आपका सिलेक्शन होगा और सपोज जुहू या वर्सोवा का कोई भी ब्रांच मिलेगा किसी बैंक का किसी भी नेशनलाइज बैंक का तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री का जो अकाउंट होगा वो आपके पास मेंटेन होगा तो उस कस्टमर को बेसिकली जिस नाम से हम जानते हैं तो हम बोलते हैं HNI कस्टमर का अकाउंट हम हैंडल कर रहे हैं या फिर उनके लिए हम असिस्ट कर रहे हैं दिस HNI फुल फॉर्म इज हाई नेटवर्थ फिर से बोलता हूं नेटवर्क याद नहीं रखने का हाई नेटवर्थ नेटवर्थ का मतलब कि उसके पास माल बहुत तगड़ा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI कस्टमर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI कोई दिक्कत नहीं ना चलूं आगे सर वो नेट वर्थ NETWORTH वर्थ वर्थ WORTH पढ़ा नहीं वाले हो सर हाँ सर HDI पढ़ा नहीं वाले हो सर आप क्या हो गया HDI पढ़ा नहीं वाले हो क्या सर आप HDI हाँ हाँ सर बाबा ये HDI नहीं है HNI है सर वो नहीं बात करो सर HDI आप पढ़ाने वाले हो क्या सर पढ़ाऊंगा ना बताया ना इंडेक्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या होते हैं HDI क्या होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एग्जाम में तो मेरे को है वो एग्जाम में इस बार है ना हाँ मेरी एग्जाम ही आई ना अभी कौन सा एग्जाम है कॉलेज का फर्स्ट ईयर का एग्जाम भाई फर्स्ट ईयर का तुम खेलो यार जब जब कॉम्पिटिशन वाली एग्जाम होगी तब मेरे से बात करने का ये चिंदी चोर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बात नहीं करने सर वो हाई नेटवर्थ इंडेक्स है इनकम इंडेक्स है ना इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल
इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सर इसका पीडीएफ है, होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। अकाउंट वाले के पीडीएफ नहीं आए हैं, नहीं मिले हैं, इसके भी पीडीएफ मिलेंगे। पहले ये टॉपिक खत्म हो जाए, इसके भी पीडीएफ मिलेंगे, है ना। लेकिन इसके पीडीएफ मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना ही नहीं है ये, क्योंकि वहां पर मैंने क्या किया है, दो चार दस गायब कर दिए हैं और वो यहाँ पर डाल दिए हैं। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ चीजें जो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा वो नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस फिजिकल प्लस वो पीडीएफ बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी पूछो, तब तक पानी पी लो। एग्जाम अनाउंस हो गया आज, जनवरी को एग्जाम अनाउंस हो गया आरटीपी, एग्जाम डेट 8 जनवरी। किस चीज का? पीओ। किस चीज का भाई? आईबीपीएस। आईबीपीएस ना? यस सर। आईबीपीएस ना? यस सर, यस सर। हाँ तो फिर क्या कर रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा ना। क्या करने का मैं बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ, जिनका जिनका मेंस का एग्जामिनेशन है इस जनवरी में, सुने, प्रतियोगिता दर्पण पहली बार, और दूसरा बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल बीएससी और पीडी प्रतियोगिता दर्पण, ये दो फिजिकल परचेज करें अपने नियर बाय काउंटर से, और इन दोनों को पढ़ते हुए जो भी आपके नोट्स करंट अफेयर्स के अवेलेबल है, चाहे वो आपके स्टडी स्मार्ट पे हो या बैंक के सड्डा पे हो, जो भी आपकी ऑनलाइन पीडीएफ आपको दे रही है, तो वहां पे करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतने शॉर्ट फॉर्म में हम बैंकिंग भी खत्म कर पाए, करंट अफेयर्स भी खत्म कर पाए, क्योंकि मेरी जो लिमिटेड क्लास आपके पास है, सिर्फ संडे को संडे मैं आऊंगा, है ना, और मंडे से सैटरडे तो मेरी खुद की बैंक होती है, तो वहां पर तो मैं संभवतः क्लास नहीं ले पाऊंगा। इस कारण से चूंकि आपकी क्लास लेट से शुरू हुई या संभवतः आप लोगों ने लेट से ज्वाइन किया, इस कारण से उस सिलेबस को खत्म करने तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे बाय द एंड ऑफ जनवरी। थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन आपको। यस सर आप बोलिए सर, आप किस सर्टिफिकेट पढ़ाओगे? बीएससी का परचेस किया अभी, 12 को एग्जाम हुआ ना, उसमें देखा टाइमिंग का कुछ ये होता है, इशू हो जाता है। इंग्लिश तो 2025 सॉल्व कर पाया मोस्टली, जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 70 या 72 ही अटेम्प्ट हो पाए। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो प्री एग्जामिनेशन के लिए है ना। यस सर, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया ना, और अभी हाँ, वो रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर ऐसा लग रहा है कि आप 65 प्लस में श्योर शॉट हैं, क्योंकि तो देखिए जब आप इंग्लिश को सॉल्व कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको 15-16 मार्क्स से ज्यादा आएगा। आपने अगर 22-25 सॉल्व किए हैं तो 100% एक्यूरेसी मैथ में भी नहीं होगी, रीजनिंग में भी नहीं होगी, जनरल अवेयरनेस में भी नहीं होगी, इंग्लिश में भी नहीं होगी। सबसे कम जो एक्यूरेसी होती है वो बेसिकली इंग्लिश में ही होती है। मैथ में आप कितना भी अच्छा सॉल्व कर रहे हैं, एक दो गलती हो ही जाएंगी, वो लाजमी है। जब हम स्पीड में रहते हैं तो एक दो गलती, 4 की जगह 6, 6 की जगह 9 हम लिख ही देते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपने 22 सॉल्व किया है, प्रैक्टिस में आप हैं, और आप अगर सिर्फ पास कर रहे हैं, तो मेंस का रिजल्ट आएगा। आप मेंस के लिए तैयारी अपना कंटिन्यू रखें। एक्स वाई जेड क्या होगा आपके प्री के एग्जामिनेशन का रिजल्ट, वो बाद में हम देखेंगे जिस समय प्री का रिजल्ट आएगा, ठीक है सर। कंटिन्यूसली आ गया अभी, क्योंकि दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क का था, 8 जनवरी को पीओ का आएगा ना, उसमें गैप नहीं रहता। हाँ ठीक है, चलो वो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। और किसी के पास कुछ पूछ रहे थे मेरे से? सर आप सिर्फ संडे टू संडे क्लास लोगे बैंकिंग का, बस आप सिर्फ संडे टू संडे बैंकिंग का क्लास लोगे? आप क्या चाहते हैं वो बताइए। रोज होता तो क्या थोड़ा फटाफट खत्म हो जाता था ना। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद बैंक से जुड़ा हुआ हूँ और रात के 9 बजे से पहले मैं घर नहीं पहुंच पाता हूँ, तो वर्किंग डेज इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो संडे को ही मेरी क्लास पॉसिबल होगी आपके साथ। हाँ लंबा होता है सर, बैंकिंग 9 to 5 होता है ना, बैंकिंग का टाइम 9 to 5 होता है ना, 10 to 5 होता है ना सर। हाँ बैंकिंग तो 10 to 5 होता है, 9 to 5 होता है एसबीआई का।
बैंकिंग टाइम इज 10 to 5 फॉर ओनली कस्टमर, नॉट फॉर बैंक एम्प्लॉय एंड ऑफ कोर्स नॉट फॉर ऑफिसर. ठीक है. जब आप बैंक के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो काम शुरुआत होता है वो एक्चुअल कस्टमर आवर के खत्म होने के बाद ही होता है. एक्चुअल हम लोगों की जो काम की शुरुआत होती है वो आफ्टर बैंकिंग आवर 5 o'clock के बाद ही होती है. ठीक है. चलिए वो सब इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिविजुअल टर्म पे हम बात करेंगे. HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. आगे बढ़ू इससे. IPO और FPO. IPO that is initial public offer, FPO follow on public offer. ये दोनों जब एक नया investor market में कुछ चीजें purchase करता है that is called IPO, और एक पुरानी कंपनी जब market से पैसा उगाती है that is called FPO follow on. है तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या देख क्या इशू करेगा? FPO. लेकिन रिलायंस जियो वो एक नई कंपनी है, वो क्या इशू करेगा? तो IPO. तो IPO इज इनिशियल शुरुआत में, और FPO इज फॉलो ऑन, और दोनों क्या है? तो पब्लिक ऑफर है. बोथ आर पब्लिक ऑफर. डन? यस सर. गुड. यस सर. देखिए आप लोगों ने संभवतः चेक देखा है ना. चेक. यस सर. यस सर. चेक के फीचर की हम बात करेंगे कि ऊपर में क्या लिखा रहता है, नीचे में कितने टाइप के कोड होते हैं, है ना. पूरी चेक की हम बात करेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये भाग है. एक मार्क से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओपन चेक क्या है, बियरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, बाउंस ऑफ चेक क्या है, कैंसिल ऑफ चेक क्या है, है. तो ये तमाम चेक से जुड़ा हुआ एक मास का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. बट उस चेक पे एक कोड होता है. नंबर क्या डालूं? 77. उस चेक पे नीचे में सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में से एक कोड होता है, वो कोड 9 digit का होता है. दिस कोड इज कॉल्ड MICR एंड द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. कैरेक्टर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. MICR 9 digit कोड. और ये 9 digit कोड आपस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 9 digit है वो किस चीज के लिए होता है. तो फर्स्ट 3 इज फॉर सिटी, बीच का 3 जो है वो बैंक, और आखिरी का जो 3 है वो ब्रांच के लिए होता है. जैसे आपकी घाटकोपर की कोड संभवतः 400072 है, यही है ना, या 400076, ऐसा ही कुछ है. क्या है? हाँ सर, 400075. हाँ, जो भी कोड होगा आप अपना चेकबुक निकालिएगा और सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट फाइंड आउट कीजिएगा. उसमें लिखा रहेगा 400. शुरुआत का 3 digit 400 से ही होगा. क्यों 400 से होगा? क्योंकि जो घाटकोपर का कोड है या डोंबिवली का जो भी कोड होगा वो 400 संभवतः 152 157 होगा. तो शुरुआत का 3 आपके किसी भी चेक पे मुंबई में 400 ही दिखने को मिलेगा. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि MICR लास्ट 3 digit किस चीज के लिए होता है, IFSC कोड लास्ट 6 digit किस चीज के लिए होता है. तो अभी MICR चूंकि मैं बता रहा था, इस कारण से मेरा कंसंट्रेशन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे है, न कि इन चीजों पे है. ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है. जिस समय हम चेक की पूरी क्लास कवर अप करेंगे ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कहते हैं ना, ABCD ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर रिकॉग्निशन चेक क्लियरिंग जो CTS चेक हमारी होती है उसके क्लियरिंग के लिए वो बेसिकली काम में आता है. MICR उसके बाद क्या चलो 78 IIBF इंडियन
आईएनडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। संभवतः किसी ने किसी इसका तो कोर्स किया होगा आप लोगों में से किसी ने, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, सी स्टैंड फॉर कॉरपोरेशन नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सर क्या कंपनी ना सर? हाँ जी हाँ जी, कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी बोलते हैं ना। मुथूट फाइनेंस क्या है तो एनबीएफसी है, बोलते हैं डीएचएफएल क्या है तो एनबीएफसी है ना। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं देता है बट बैंकिंग की तरह सर्विसेज वो लोन का देगा, सेविंग अकाउंट यू कैन नॉट ओपन योर सेविंग अकाउंट और एनी काइंड ऑफ टाइम डिपॉजिट अकाउंट विद दीज एनबीएफसीज, बट अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो आपको मुथूट फाइनेंस भी गोल्ड लोन देगा, डीएचएफएल भी देगा। क्यों? क्योंकि वो एनबीएफसी है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग। भाई साहब हम तो बैंक नहीं है बट क्या है, फाइनेंस की कंपनी है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, आप जाते हैं मोबाइल परचेज करने, आप बोलते हैं मुझे 10,000 का फाइनेंस कर दो, दैट इज फाइनेंस, मतलब लोन की एक्टिविटी में वो संलिप्त होगा। चले आगे। हाँ सर। यस सर। टीबीएस कोर बैंकिंग एस स्टैंड फॉर सॉल्यूशन है गांठ बांध लेने का, कि सीबीएस में एस स्टैंड सॉल्यूशन है, सर्विस नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और ये सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही सर आपकी। हेलो सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक नहीं आ रही है, आवाज अटक रही है। बोलिए बोलिए। ब्रेक हो रहा है सर आपका आवाज। हाँ आ रही है क्या? Yes, हाँ सर अभी आ रही है। CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर का फुल फॉर्म फर्दर आप लिखे हैं सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज कोर, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज कोर। हम बोलते हैं ना कि हम सीबीएस सिस्टम पे काम करते हैं, मतलब यहां पर पैसा क्लिक किया और सामने वाले पार्टी को दिखेगा, तो क्या है सीबीएस, तो कोर की एक्टिविटी है। हर एक बैंकिंग की जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको हम बोलते हैं सीबीएस सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और फर्दर कोर को हम डिवाइड करते हैं कि एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, रियल टाइम में होता है और एक्सचेंज होता है पैसे का, दैट इज सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। FRBM फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, FRBM फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। ये FRBM एक्ट भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि हमारा फेमा एक्ट है, ये हमारा फेरा एक्ट है, ये FRBM एक्ट है। क्या है FRBM? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। बट यहाँ पे एक्ट की बात हमने नहीं लिखी है, सिर्फ उसका फुल फॉर्म हमने समझाने की कोशिश की है। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBM।
कितने हो गए सर? 86 मैं ही कुछ कम लिख रहा हूँ क्या? नहीं सर, ठीक है 85-86 जो भी हो गया। देखिए जब भी आप पढ़ेंगे पेपर तो आप देखेंगे कि बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, ये 25 BPS से रिड्यूस हुआ है ना? क्यों ये रिड्यूस होता है कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, MSF क्या है, LAF क्या है, इसकी बात तो हम RBI क्लास में करेंगे कि जब RBI बैंकों को लोन देती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं और उसी टर्म को हम रेपो रेट भी कहते हैं, और रिवर्स जब बैंक से RBI लोन लेगी उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब बैंक अपनी सिक्योरिटी का कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में RBI के पास जमा करती है उसको हम CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, है ना? और जब बैंक अपनी सिक्योरिटी का कुछ भाग अपने पास रखती है उसको किसी भी कंडीशन में कस्टमर के रूप को हम नहीं दे सकते हैं लोन के रूप में, उसको हम SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी सिक्योरिटी रेशियो। पेपर में पढ़ा होगा या देखा होगा कि RBI बार बार अपने मॉनिटरी पॉलिसी में या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में इन चीजों को रिड्यूस करती है या अपग्रेड करती है। तो अगर 25 BPS कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज की बात अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या फिनेंशियल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो BPS आपको देखने को मिलेगा कि RBI रिड्यूस रेपो रेट बाय 25 basis point। वॉट इज BPS? वहां पर यह नहीं लिखा रहेगा बेसिस पॉइंट, वहां पर सिर्फ लिखा रहेगा बाय 25 BPS। You have to understand the full form of BPS is basis point. BPS basis point. क्या होता है SLR? Repo rate. मारिए गोली, देख लेंगे हम कितना परसेंटेज है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स में कि आज के डेट में कितना है। जब से कोरोना आया है, COVID-19 चल रहा है, RBI बार बार इन रेट को रिड्यूस कर रही है सो दैट जो लोन देना हो वो इजियर हो, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो हो। अभी फ्लो को छोड़ दीजिए, रेपो रेट को छोड़ दीजिए, BPS का फुल फॉर्म याद रखने का, दैट इज BPS बेसिस पॉइंट। सर वो लास्ट का S का मतलब B से बेसिस, B से पॉइंट, S से समझ में आया? हाँ सर समझा। बस हाँ सर। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, हम रबी और खरीफ के अगेंस्ट जो किसान का एकर होल्डिंग है उसके लिए हम फाइनेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड किसान क्रेडिट कार्ड KCC। आगे हो गया सर एक बार, किसका? बोलो बोलो मैडम। केसीसी। हाँ क्या हुआ? आगे लिखा दिया, बता दिया है क्या? हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ये संभवतः हमने बता दिया है, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। हटाओ क्या नीचे वाला? यस सर जी, यस सर। ओके, अभी तक मैं जब तक ये रब करता हूँ तब तक मेरे से क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, एक दो मिनट तो ऐसे ही टाइम पास में चला जाएगा ना। एसबीआई का शॉर्ट आइडिया दे दो ना सर। किस चीज का बोलो ना? एचडीआई सर, शॉर्ट आइडिया बताओ सर। आप क्या है, आप ह्यूमन है क्या? हाँ हूँ ना सर। हाँ, आपका डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताइए। स्टेटस लाइफ से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसी का माइक ऑफ है आपको छोड़ के, माइक ऑफ कीजिए। देखिए आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है किस चीज पर डिपेंड करती है? आपके इनकम पे। यस सर। है या नहीं? हाँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये कहा जाता है कि ह्यूमन से जुड़ा हुआ जो भी डेवलपमेंट इकाई है उसका अगर समावेश एक साथ साथ हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कैपिटलाइजेशन हो, चाहे वो आपका सोशल रिस्पेक्ट हो,
या फिर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन हो, तो ये सारी चीज मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नजरिया बनती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जहां की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो रेट करती है इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो वो देखती है कि यहाँ पे गरीबी है तो वहां पे कम रेट देती है। है तो ह्यूमंस के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई तमाम पिलर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भाग होती है ना। अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना पड़े, जैसे एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर में आपके डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में अगर एसबीआई बोला गया तो ह्यूमन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ आप उसमें लिख दीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम इंडिया कितना है, पर व्यक्ति आय कितना है, वो सब वो वैसे फैक्ट को आप बिल्कुल प्रदर्शित कीजिए उसमें। समझे क्या? फैक्ट और फिगर अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में है, आपको दूसरों से कहीं अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप बाबा रामदेव की तरह लिखे जा रहे हैं तो फिर पढ़ने वाले को भी लगता है यार इसने तो पूरा कहानी लिख दिया है। लेकिन उसको दिख जाएगा पर कैपिटा इनकम इसने लिखा है, भले ही आप 27,000 पर कैपिटा इनकम आपने दिखाया है, लेकिन उसको एक फिगर आपके पूरे डिस्क्रिप्टिव में दिख गया, इसने पीसीआई की बात की है, पर कैपिटा इनकम की बात की है, इसने WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की है, इसका मतलब इस बंदे में जान है। जान की बात पहले कितना नंबर लिखूं? 89 88। चलो 87 लिखता हूं, किसी का 88 है किसी का क्या है, छोड़ो मैं एक रिड्यूस करके चलता हूं। सर 88। अच्छा सॉरी गलती हो गई, 88 ही लिखता हूं। क्या था लास्ट हमारा, क्या था, क्या लिखा था हमने लास्ट? BPS ओके ओके ओके। अभी चलो लिखो CSR। हर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के आधार पे अपनी प्रॉफिट का 2% सोशल CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सर? बिजनेसमैन को थोड़ा सा हिस्सा अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डालना पड़ता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट, बहुत सही है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनको अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो, जैसे आप जाते होंगे देखते होंगे किसी स्कूल में गए तो वहां पे केंट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना कि सो बाय ONGC बाय IOCL बाय SBI। तो क्या होता है कि उन चीजों को में उनको खर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोटोकॉल है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखें CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हमारे पास कुछ रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैमल्स का नाम मैंने लास्ट क्लास बताया था। कैमल्स रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सी स्टैंड फॉर कैपिटल एजुकेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर अर्निंग, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एस फॉर सस्टेनेबिलिटी टू मार्केट रिस्क। ये हमने लास्ट क्लास कैमल्स की बात कर ली थी, क्योंकि वो बड़ा फुल फॉर्म था, इस कारण से मैंने उसके दो भाई को वहां पर नहीं जोड़ा था। दो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्रिसिल और सिबिल। क्रिसिल एक ऐसी रेटिंग कंपनी है, फिर से बोलता हूं, दीज आर क्रेडिट रेटिंग कंपनीज। ये रेट करती हैं, किसको रेट करती हैं? जो क्रिसिल है वो आपके इंडस्ट्री को रेट करेगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेट करेगी, और जो सिबिल है वो आपको रेट करती है। मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है और उसका सही प्रॉपर रिपेमेंट आपने किए हैं, तो आपकी जो सिबिल की स्कोर है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होगी। आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया था, बाद में उस क्रेडिट कार्ड में 5,000 रुपए बच गए, आपने बोला कि साहब मैं 5,000 रुपए नहीं भरूंगा, मेरे को 1,000 रुपए में इस क्रेडिट कार्ड को बंद करके दो, तो आपने करवा लिया सेटलमेंट। तो जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो फिनेंशियल मार्केट में नहीं करनी है, अगर आपने वो कर लिया तो फिनेंशियल एक धब्बा आपको लगता है, और वो धब्बा लगाने वाली ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल रेटिंग एजेंसी है, दैट इज सिबिल। दीज टू आर रेटिंग एजेंसीज। इस कारण से बैंक के साथ कभी भी ना तो लोन थकित में रखने का,
ना ही कोई क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करवाने का, नहीं तो सिविल के स्कोर जो है वो अगर कम होंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। CR स्टैंड फॉर क्रेडिट रेटिंग, यहां भी CR स्टैंड फॉर क्रेडिट रेटिंग, BEURO ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इज सिविल। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, इन्फो लिखा हूं मैं बट आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस, मैं जो लिख रहा हूं दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, यहां पे बीओ याद रखने का, यहां पे इन्फो सर्विस याद रखने का। सिविल एंड क्रिसिल, सिविल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक लोन लाइक पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, तो सबसे पहले हम कस्टमर के पैन कार्ड और आधार कार्ड पे उसका सिविल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि उसे कितने और आउटस्टैंडिंग अकाउंट हैं, कहां कहां से उसने लोन लिया है, सब यहां पे दिखेगा। सर ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सर क्रेडिट इंफॉर्मेशन आएगा ना? कहां पे लिखा ना क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ना? क्या हो गया, किसमें मैडम? 90th पे। हाँ हाँ, क्रेडिट, देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन, अच्छा क्रेडिट इंफॉर्मेशन नहीं आया क्या? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहां पे सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सर वो ऊपर का क्या है, क्रेडिट रेटिंग इन्फो? क्रेडिट, देखो सुनो 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 सुनो, क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है? सर्विस ऑफ, सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिविल का है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है? यस सर। कितने हो गए? 91। सिविल हो गया, क्रिसिल हो गया, BIS बैंकिंग इंटरनेशनल, सेटलमेंट बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS बेसल बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट। वो क्या लिखा है बात में, अटैचमेंट बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट। सर बोलिए, आप सेकंड और थर्ड का फिर से एक बार फुल फॉर्म बताओगे? किसका किसका, क्रिसिल का ना? हाँ दोनों का। क्रिसिल का पहले पढ़ो मैडम, क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ पढ़ो एक बार, बताओ मेरे को जोर से पढ़ के बताओ। क्रेडिट रेटिंग बोलो, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंफॉर्मेशन, हाँ क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ नीचे वाले में, नीचे वाले में ब्यूरो होगा, ऊपर वाले में सर्विस होगा। यस ओके, हाँ थैंक यू। BIS 92 SDR
एडीआर और जीडीआर। आईएमएफ का नाम सुना है? आईएमएफ, आईएमएफ का नाम सुना है क्या? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नाम है, जिसमें यूएनओ आईएमएफ डब्ल्यूटीओ पढ़ाऊंगा उस समय फिर से इस एसडीआर का नाम बताऊंगा। एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट। एडीआर अमेरिकन ड्रॉइंग राइट्स, जीडीआर ग्लोबल ड्रॉइंग राइट्स। ये तीनों मिलता जुलता है, बट एसडीआर का पावर सिर्फ आईएमएफ के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है, इसको हम गोल्ड करेंसी भी कहते हैं। एसडीआर इज ओनली मेंटेन बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एडीआर अमेरिकन, एक मिनट यहां पे संभवतः गलती मैंने लिख दिया है। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जीडीआर EDR होगा। EDR का फुल फॉर्म लिखो, ग्लोबल ड्रॉइंग राइट्स मत लिख लेना, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। EDR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना। तो ये देखो DR सब में है, बट चेंजेस हैं, ये ड्रॉइंग राइट्स है, बाकी के दोनों डिपॉजिटरी रिसिप्ट हैं। मैंने भी गलती कर दी, सोच ले मैंने अगर गलती कर दी तो आपसे तो गलती होना लाजमी है। मैं अगर 10 साल 11 साल से पढ़ाने के बाद अगर गलती कर रहा हूं बोर्ड पे तो सोच ले। चलिए ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। चलो आगे। जिनके एग्जामिनेशन मेंस के हैं, सुने, जिनके एग्जामिनेशन मेंस के या पीडी के बचे हुए हैं, वो एटलीस्ट जो मैथ्स के नंबर सीरीज हमने पढ़ाए हैं और उसके वीडियो लर्न बियॉन्ड के यूट्यूब चैनल पे हैं, उसको जरूर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि नंबर सीरीज अपने आप में मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है। 5 मार्क्स के हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो जिनको नंबर सीरीज में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर रीजनिंग के सिलॉक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लर्न बियॉन्ड पे आप जाइएगा उसके यूट्यूब पे और सिलोगिज्म देखिए और हर एक पार्ट को अलग अलग देखिएगा। सम के अलग हैं, ऑल के अलग हैं, ऐसा नहीं मिक्स करके देखिएगा। संभवतः उस दिन के बाद, उस क्लास के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो कितने नंबर हो गए? 95 सेंचुरी तो लगाना है, यही सोच रहा हूँ कौन सा है और जो बच रहा है। बस तो भी बहुत सारे रहे हैं। लास्ट क्या बताया अभी? ADR, GDR और GDR। ओके, देखिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे शेयर की ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट खोलना है, उस अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट, करेक्ट। ये जो डीमैट है, डीमैट इज द ओनली अकाउंट वेयर पैन कार्ड इज कंपल्सरी। फिर से बोलता हूँ, डीमैट इज द ओनली अकाउंट वेयर पैन कार्ड इज कंपल्सरी। इफ यू डोंट हैव पैन, यू कैन नॉट ओपन दिस डीमैट अकाउंट। अदर देन किसी भी अकाउंट में पैन कार्ड इज नॉट कंपल्सरी। अगर पैन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो, अगर FD है तो मैंने TDS की बात बताई थी आपको कितना TDS लगेगा, बट इज नॉट कंपल्सरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMAT? DMAT का फुल फॉर्म है डीमेटरलाइजेशन। मेटरलाइजेशन किसी ने बोला तो सही है, डीमेटरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ डीमैट, डीमेटलाइजेशन।
किसी ने मेरे क्लास के शुरुआत होने से पहले पूछा था कि सर एब्रिविएशंस तो लिख दीजिए, तो सबसे आखिरी में मैंने एब्रिविएशंस लिख दिए हैं, आप अपने टॉपिक पे लिख लीजिएगा एब्रिविएशंस क्लास टू। सर आजकल जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है, वो मोदी जी के कौन से योजना से खुल रहा है सर? जनधन योजना। जनधन? हाँ जी हाँ जी, जनधन योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, पूछो पूछो सर, ये जो बैंक जो भी सेविंग अकाउंट खुलेगा वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट जैसा ही रहेगा ना? नहीं, जनधन योजना इज ए काइंड ऑफ, उसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर जनधन योजना में आपने खोले हैं, यू कैन नॉट मेक ए क्रेडिट ऑफ और डेबिट ऑफ मोर देन 1 लाख, है ना। देयर इज ओनली 4 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू एटीएम, तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। दिस इज अकाउंट ओनली फॉर बीपीएल कैटेगरी, है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं उनके लिए वो बेसिकली स्पेसिफिक अकाउंट है। एज ए स्टूडेंट आप उस अकाउंट को ना खोलें, ऐसा मेरा एडवाइस है, क्योंकि आज आप कुछ नहीं अर्न कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि अच्छी बात हमने खोल लिया, लेकिन कल होगी कि आप कुछ अर्न कीजिएगा तो पता चला उसमें 1 लाख का बाड़ लगा हुआ है, 1 लाख से ज्यादा का समेशन क्रेडिट डेबिट होगा ही नहीं, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, फिर से यू हैव टू क्लोज द अकाउंट एंड यू हैव टू रीओपन द सेविंग अकाउंट। तो बेटर इज टू रीओपन सेविंग अकाउंट ओनली, नॉट अंडर पीएमजेडीवाई स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। समझ में आया? ओके सर। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट, GRANDE कमीशन, यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हमारी है। व्हाट इज यूजीसी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैंने जो अभी ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ये दोनों आपको पढ़ाया है, BCSBI भी पढ़ाया है, DICGC भी पढ़ाया है। BCSBI का दूर दूर तक संबंध SBI के साथ नहीं है, दैट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया डिपॉजिट इंश्योरेंस, माइक ऑफ कीजिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड, माइक ऑफ करो, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज BCSBI। एंड व्हाट अबाउट DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सर UGC में वो जी ग्रैंड है कि ग्रैंड? ग्रैंड, नैव नेट एसेट वैल्यू। सर गारंटी, क्रेडिट गारंटी, उसके बाद क्या हो गया? क्रेडिट गारंटी के बाद, क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी कहाँ गया? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट। अरे एक मिनट, यूनिवर्सिटी ग्रांट है, ग्रांट GRANTE, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड NAV नेट एसेट वैल्यू। सर ग्रांट ना, GRANTE, GRANTE, टी फॉर तमिलनाडु। टी है क्या? अच्छा ये है आपके सेंचुरी हमने लगाए हैं, संभवतः देखिए देर आर मोर देन 100 एब्रिविएशंस। हेलो बोलो बोलो, क्या हुआ मैडम? 5 मिनट
There are more than 100 advertisements. वीडियो रुक गया बराबर सर. There are more than 100 advertisements जो आपके नोट्स में आपको अटैच आपके वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे. संभवतः देर आर 170 अराउंड 170 advertisements. लेकिन हमने इस दो क्लास लेके आपको ये सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि advertisements को आप किसी भी कतई किसी भी रूप में आप हल्के अंदाज में नहीं लेंगे. तो देर इज नो थर्ड क्लास ऑन एब्रिविएशन सेम टॉपिक है ना. इस दो क्लासेस सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चले यही मेरा उद्देश्य था. अदरवाइज देर इज नो कॉन्सेप्ट इन एब्रिविएशन. इसमें कॉन्सेप्ट नहीं वो तो मैं आपको अगर नोट्स भी दे दूं तो भी आप याद कर लेंगे. बट इंपॉर्टेंस के नजरिए से हमने ये दो क्लास अपने बहुमूल्य 3 घंटे आपके साथ हमने जारी किए हैं. आपके जब नोट आप क्या हो गया आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर. हाँ तो जिस समय आपके वेबसाइट पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे उस समय एक बार जरूर पीडीएफ डाउनलोड करें उसको सेव करें और उसमें देखें कि आउट ऑफ जो हमने 100 पढ़ लिए हैं उसको छोड़ के और सर ने क्या लिखा है. इतनी बात मैं आज से क्लास में आपके साथ करूंगा. आप में से 1 to 100 कोई ऐसे एब्रिविएशंस जो आपको नहीं समझ में आए हुए या छूट गए हो या आपको समझना है तो मेरे से पूछ लीजिए. कोई एक एब्रिविएशन जो छूट गया हो कोई भी एब्रिविएशन तो पूछिए बिंदास. हेलो सर 100 का बताइए ना. 100 तो बता दिया ना मैडम. लिखा ना एनएवी. सर ब्लर आ रहा है बोर्ड अच्छे से दिख नहीं रहा मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है. अच्छा एनएवी लिखा है मैडम. एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू. जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो एनएवी में ही आपको तोड़ के आपके एसआईपी या एसडब्ल्यूपी के देखने को मिलेगी. तो एनएवी का बेसिकली यूज हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में करते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू. सर बोलिए. सर उसके पिछले क्लास में आपने एफआईयू आईएनडी बताया था. एफआईयू आईएनडी इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है. बैंक में कोई भी ऐसी फ्रॉड एक्टिविटी अगर होती है तो इसकी रिपोर्ट एक बैंक को एफआईयू आईएनडी के पास करनी होती है. एंड दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड सीसीआर सीटीआर एसटीआर. सीटीआर फुल फॉर्म जो मैंने लास्ट क्लास लिखवाए थे कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट. अगर 10 लाख से ज्यादा कैश आप बैंक में एक महीने के अंदर जमा करते हैं तो आपके ऊपर निगरानी बढ़ जाती है ना. सपोज हो सकता है कि ये लीगल ट्रांजेक्शन है. आपने कहीं जमीन बेचा है आपको किसी पार्टी ने कैश के रूप में पैसा दिया है तो आपकी ट्रांजेक्शन इज जेन्युइन ट्रांजेक्शन. लेकिन जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक एक सर्वेलाइंस लग जाता है कि ये ट्रांजेक्शन तो ठीक है लेकिन इसके बाद की जो एक्टिविटी है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं है. दैट इज सीटीआर. सेकेंड इज सीसीआर काउंटर फेक करेंसी रिपोर्ट. अगर आप बैंक में काउंटर के पर जाके जाली नोट जमा करते हैं तो इसकी भी रिपोर्ट हमें एफआईयूआईएनडी को भेजनी है. थर्ड इज STR, suspicious transaction report. आपको एक कॉल आता है कि आपको 5 लाख का लॉटरी लग गया है और 7,000 रुपए इस अकाउंट में जमा कीजिए. आपको लॉटरी का जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए जमा हो जाएगा. वो एक suspicious transaction है. जब आप बैंक में जाते हैं आप ये बोलते हैं कि मुझे एक कॉल आया है 7,000 रुपए मुझे इस अकाउंट में जमा करना है. इसकी भी रिपोर्ट हमें FIUND को भेजनी है क्योंकि वो फर्स्ट इंस्टांस में क्या लगा है तो एक suspicious अकाउंट का ट्रांजेक्शन लगा है. दैट इज FIUIND. और सर एक DNS का बताया था हमने. डेफर्ड वो निफ्टी पे वर्क करते हैं. DNS बेसिकली जब आप नेफ्ट ट्रांसफर करते हैं NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्ट आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है. वो पैसा क्या होता है तो आधे आधे घंटे का एक बैच बनता है. आधे घंटे में सपोज ICICI से SBI में पैसे जाने हैं तो आधे घंटे में पूरा अमाउंट देखा जाता है कितने ICICI से टू SBI है. तो वो जो आधे घंटे के बाद सेटलमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डेफर्ड. डेफर्ड का मतलब है अलग अलग कस्टमर से पैसे आ रहे हैं और आधे घंटे के बाद नेट वो जमा हो रहे हैं और फिर वो सेटलमेंट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड डेफर्ड नेट सेटलमेंट इन NEFT ओनली. सर SIFI का क्या फुल फॉर्म बताया था आपने? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन SIFI. देयर आर ओनली 3 कैटेगराइज्ड बैंक अंडर SIFI: SBI, ICICI एंड HDFC. सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल I for institution.
और कुछ? और कुछ बचा? डीएनएस डेफर्ड नेट सेटलमेंट, डीएनएस डेफर्ड नेट सेटलमेंट। आपकी अगर लास्ट टास्क छूट गई है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। चलिए यहीं तक की हम बात करेंगे, संभवतः मुझे नहीं लगता है कि एब्रिविएशंस में कुछ ज्यादा कंफ्यूजन आपको हुआ है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो टॉपिक होगी वो एब्रिविएशन से चेंज होके किसी नए सिरे से हम देखने की कोशिश करेंगे बैंकिंग के टर्म्स को, ठीक है? यस सर। यस, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट।